पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले में चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई कर कंपनियों के डायरेक्टरों व पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति चिन्हित कर नीलामी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में यश ग्रुप नामक चिटफंड कंपनी में निवेश की राशि की मैच्योरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं दिए जाने के खिलाफ विशेष न्यायालय दुर्ग द्वारा यश ग्रुप के डायरेक्टरों की चिन्हित संपत्ति को कुर्क करने का अंतरिम आदेश शुक्रवार को पारित किया गया है। संपत्ति की नीलामी से प्राप्त आय को यश ग्रुप में निवेश करने वाले निवेशकों को शीघ्र वापस किया जाएगा। मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा ने इस प्रकार से दी है। क्या कुछ मामला था, किस तरह की कार्रवाई? यश ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम की एक कंपनी थी जिन्होंने निवेशकों से पैसा बढ़ाने के लालच में इन्वेस्ट कराया था पैसा, और जब पैसा वापस करने की बात आई तो वो लोग यहाँ से फरार हो गए थे। तो तत्काल 2015 में इनके खिलाफ चिटफंड एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी, और इस एक्ट के तहत ये प्रावधान है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको चिन्हांकित करके उनकी कुर्की कर नीलामी करके जो निवेशक हैं उनका पैसा वापस किया जा सकता है। तो 2015-16 में ही इनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी ज़िले में उनको चिन्हांकित किया गया था, माननीय जिलाधीश द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया था, और कल इसमें माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित किया गया। अंतिम आदेश पारित करने के बाद में अब कुर्की की प्रक्रिया जो है, नीलामी की प्रक्रिया जो है, वो हम लोग चालू करेंगे। लगभग 52 एकड़ ज़मीन हम लोगों ने इसमें आइडेंटिफाई करके अटैच कराया है, और हमें उम्मीद है कि एक अच्छी खासी रकम हम निवेशकों को लौटाने में सफल होंगे। अभी हम लोगों को अंदाजा है, क्योंकि 10 साल पहले जब अटैच किया था तो 15 करोड़ के आसपास की इसकी वैल्यूएशन थी। अभी हमको बाजार मूल्य के हिसाब से अंदाजा है कि कम से कम 40 से 50 करोड़ के आसपास की कुछ रकम होनी चाहिए। कितने निवेशक अब तक सामने हैं? अभी तक 10,000 निवेशकों ने यश ग्रुप कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट बताया है, जो आवेदन मंगाए गए थे। तो अभी हमको और भी उम्मीद है कि और भी लोग इसमें इन्वेस्ट किए होंगे जिनके बारे में हमको जानकारी नहीं है, तो हम और भी लोगों से अभी कॉल करेंगे आवेदन, और जितने आवेदन आएंगे उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में जो भी रकम हमको नीलामी मिलती है उसको बांटा जाएगा।